कभी-कभी हमें कुछ अलग और हटके खाने का मन करता है, तो चलिए आज की हमारी रेसिपी बनने वाली है कच्चे चावलों से। और मैं आपके लिए दो रेसिपीज लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही इजी और बहुत टेस्टी है, सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप चावल लिए हैं। मैं दो रेसिपीज़ बना रही हूँ इसलिए थोड़ा चावल ज़्यादा लिया है, आप चाहें तो 1 कप चावल से भी बना सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने लिए हैं 1 उबले हुए आलू, ये देखिए। तो इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके हम ये दोनों रेसिपीज़ बनाएंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर से दीजिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक घंटी आएगी उसको भी दबा लीजिएगा, जिससे कि रोज़ आपको एक नई रेसिपी के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पर हमने जो चावल लिए थे 1.5 कप, इनको मैंने पानी डाल करके 2 घंटे भीगने रख दिए थे। और ये देखिए 2 घंटे में ये काफ़ी अच्छे से फूलकर तैयार हो जाते हैं। तो इनको पहले अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद ही इनको सोक करने के लिए रखें। और अब हमने जो यहाँ पर आलू लिए थे, इनको भी मैंने बहुत बारीक बारीक से मैश कर लिए हैं, चाहे तो कद्दूकस से करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब हमने जो चावल को भिगो कर रखा था, इनको हम डाल देंगे एक मिक्सर ग्राइंडर जार के अंदर, और इसमें हम पानी बहुत ही कम डालेंगे। चावल डालने के साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर लेते हैं और इनको हम बारीक पीस लेंगे। पीसते समय अगर आप ज़रूरत पड़े तो आप 2 चम्मच पानी और डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ही बारीक इसको पीसना है, तो मिक्सर को बिल्कुल रोक रोक करके चलाएं, जिससे कि बहुत ही बारीक सा पेस्ट हमारा तैयार हो जाएगा। तो चलिए इनको हम पीस लेते हैं, इसमें हम कुछ भी अभी ऐड नहीं करेंगे। तो पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हमने एक बड़े सा मिक्सिंग बोल लेना है और इसमें डालेंगे ये उबले हुए और मैश किए हुए आलू। कि देखिए आलू में गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, या फिर होनी चाहिए तो बहुत छोटी और कम होनी चाहिए, इसलिए इनको अच्छी तरीके से मैश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कद्दूकस करेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम इसमें डाल देंगे ये पेस्ट किया हुआ चावल। ये देखिए कितना गाढ़ा है, मैंने इसको पीसने में 2 चम्मच पानी फिर से नहीं डाला है, बस उतने में ही ये मिक्सर को रोक रोक करके चला लिया है और पेस्ट हमारा काफ़ी गाढ़ा है, ये देखिए। तो इनको हम अच्छे से मिला लेते हैं, क्योंकि हमको जो दो रेसिपीज़ बनानी है उसमें एक रेसिपीज़ के लिए मिक्सर हमें गाढ़ा ही रखना है। तो इनको बढ़िया से मिक्स करें, ये देखिए इसमें क्या होगा, आलू भी हमारा अच्छे से मैश होगा। तो ये देखिए हमने इनको मिला लिया अच्छे से और ये देख सकते हैं कितना गाढ़ा है, ये देखिए बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, ये देखिए ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमें पहली रेसिपीज़ के लिए। तो हम यहाँ पर 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं, तो इसमें से आधा हिस्सा निकाल कर हम अलग बोल में रख लेंगे ताकि हम बाद में इसको बनाएंगे। लगभग 4 से 5 बड़ा चम्मच के आसपास हम इनको निकाल लेते हैं और उसको साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हम पहली रेसिपीज़ बना रहे हैं, तो इसमें हम डालेंगे ये 4 से 5 टेबल स्पून के आसपास पानी। ये देखिए 1/4 कप भी आप डाल सकते हैं। और अब हम इस बैटर को अच्छे से मिलाएंगे, यानी कि बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का करेंगे। तो अच्छे से मिला लें, बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है, बैटर हमारा इतना ही पतला होना चाहिए। तो इसमें हम डालेंगे कुछ सब्जियाँ। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून के आसपास बारीक कटे हुए प्याज। अगर आप प्याज नहीं डालना चाहते हैं तो इसे हटा सकते हैं। और अब डाल रही हूँ इसमें 1 छोटा सा टमाटर, इनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब डालेंगे गाजर, मैंने ग्रेट करके गाजर को लिया है, चाहे तो आप बारीक बारीक भी काट सकते हैं, लगभग 2 से 3 टेबलस्पून के आसपास लिया है मैंने। हरी मिर्च डालेंगे, तो अपने हिसाब से तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने 2 हरी मिर्च को इसमें डाल दिया है काट करके। इसके साथ ही थोड़े से अदरक डालेंगे, 1 इंच टुकड़ा अदरक का, और इसको बारीक बारीक काट लिया है, चाहे तो ग्रेट कर सकते हैं। और अब डालेंगे हरे धनिया के पत्ते ढेर सारे, लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच। अब डालेंगे थोड़े से नमक स्वाद के हिसाब से, और बिल्कुल 1/4 छोटी चम्मच के आसपास गरम मसाला पाउडर डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, चाहें तो डालें या फिर स्किप कर सकते हैं। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाएंगे। ये देखिए सब्जियां आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर सिर्फ प्याज टमाटर डाल के भी इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास सब्जी अवेलेबल नहीं हो तो आप कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं इसमें, अगर आपको पसंद हो तो। ये देखिए तो इनको हम मिला लेते हैं। अगर आपको बैटर थोड़ा पतला लग रहा हो तो इसमें 1 टेबलस्पून सूजी भी ऐड कर सकते हैं, या फिर चावल का आटा ऐड करके बैटर की कंसिस्टेंसी आप सही कर सकते हैं। तो चलिए इनको कुक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तवा गर्म होने रख दिया है, ये देखिए तवा अच्छे से हल्का गर्म हो गया है। तो इस पर हम बिल्कुल 1/4 छोटी चम्मच के आसपास तेल डालेंगे और तवे को थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। और अब हम इस पर बैटर डालेंगे,
तो बैटर हमें लगभग 2 कलछी के आसपास डालेंगे और इसको हम बिल्कुल पतला सा फैलाएंगे। ये देखिए, बहुत मोटा नहीं फैलाना है और इसमें हमें ऑयल की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा ढक्कन लगा देते हैं और 2 मिनट हम इनको कुक होने देंगे मीडियम फ्लेम पे। और देख सकते हैं 2 मिनट के बाद इनके किनारे अच्छे तरीके से निकल गए हैं तवे से, और इनको टर्न करना भी बहुत ईजी होता है। ये इतना टेस्टी होता है और सिंपल होता है, बस 5 मिनट में झटपट ये बनकर तैयार हो जाता है। बच्चे बड़े सभी बहुत ही चाव से खाते हैं और हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसमें तेल भी कम डाला है और सब्जियाँ भी भरपूर हैं। तो इसको हम टर्न करके दोबारा से इस तरीके से दबाते हुए कुक करेंगे ताकि अंदर से कच्चा ना रहे। और लीजिए, ये बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, दोबारा से बनाने के लिए बस थोड़ा सा तेल डालेंगे और उसके बाद हम ये बैटर डालेंगे और बिल्कुल पतली सी लेयर फैलाएंगे। आप चाहें तो थोड़े बड़े भी कर सकते हैं, क्योंकि ये टर्न करते समय टूटते नहीं हैं। तो अपने हिसाब से आप छोटे बड़े कैसे भी कर सकते हैं, बस ध्यान रहे इन्हें बीच में बिल्कुल पतला रखना है। अगर किनारों पे थोड़े मोटे रहेंगे तो चलेगा। तो सारे हमारे बनकर तैयार हैं और लीजिए, बहुत ही गर्मा गर्म झटपट बनकर ये नाश्ता तैयार हो जाता है। और देखिए कितना स्वादिष्ट लग रहा है, बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर आप इन्हें बच्चों को टिफ़िन में भी देंगे ना, तो पूरा टिफ़िन फिनिश कर देंगे। किसी भी नॉर्मल चटनी के साथ आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। और देखिए कितने मुलायम हैं, और ये काफ़ी देर तक मुलायम ही बने रहते हैं। अगर आप टिफ़िन बॉक्स में भी लेकर जाएंगे ना, तो ऐसे ही सॉफ्ट बने रहते हैं, बिल्कुल भी सख्त नहीं होते हैं। ये देखिए, तो आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा। आप इसे किसी भी नॉर्मल चटनी के साथ सर्व कीजिए। चलिए हम आपको दूसरी रेसिपी बनाना बताते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल है। अगर आपको पसंद आएगी तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने जो यहाँ पर बैटर बचा कर रखा था बिल्कुल गाढ़ा सा, इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच के आसपास ज़ीरा, और अब डालेंगे थोड़ी सी हरे धनिया के पत्ते, थोड़ा सा नमक स्वाद के हिसाब से, और अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि जो बैटर इसका बनाना है वो बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। तो इनको हमने मिला लिया है, ये देखिए कितने गाढ़े हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा कम गाढ़ा लग रहा हो तो आप इसमें 1 टेबल स्पून वापस से चावल का पाउडर डाल सकते हैं, या फिर सूजी भी डाल सकते हैं। और इसका जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। हाथों पर थोड़ा सा पानी लगा लें और इसके हम इस तरीके के वड़े बनाएंगे। ये देखिए, पानी लगाने से हाथों पर ये गिरते नहीं हैं और ये टूटते भी नहीं हैं, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए हम इनको तलने वाले हैं। तो तेल गर्म हो गया है, इसमें हम एक एक करके ये वड़े डालते जाएंगे। ये देखिए, थोड़ा सा हाथों पर पानी लगाएंगे ना, तो ये आसानी से तेल में इस तरीके से निकल जाते हैं। और बढ़िया से एक साइड सिकने के बाद हम इनको टर्न करेंगे। ये देखिए, तो इन्हें मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाएं, नहीं तो ये थोड़ी ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। अगर आप इनको हल्का और फ्लफ़ी बनाना चाहते हैं तो मध्यम आंच पर ही बनाएं, तेल ज़्यादा गर्म होना नहीं चाहिए। तो इनको टर्न कर देंगे और हल्के हल्के से सुनहरे होने तक हम इनको कुक करेंगे। तो देख सकते हैं ये हल्के हल्के से सुनहरे हो गए हैं। अब हम इनको साइड में कर देते हैं और बाकी बचे हुए साइड में ये जो बैटर हमारा बच गया है उससे हम ये वड़े तल लेंगे, ताकि एक साथ सारे तल कर तैयार हो जाएं। तो ये देखिए, थोड़े थोड़े ये क्रिस्प हो गए हैं, अब हम इनको निकालेंगे। इन्हें ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये थोड़े से सख्त हो जाएंगे। जैसे ये कुक होते हैं हम इनको निकाल लेंगे। तो इन्हें हम किचन टॉवल पे निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और देखिए वड़े कितने सुंदर बनकर तैयार हुए हैं, ये देखिए। तो लीजिए, ये बहुत ही गर्मा गर्म, बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी वड़े बनकर तैयार हो गए हैं चावल से। आप इसको खाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये दाल से बने हुए नहीं हैं, क्योंकि मुलायम भी ये उतने ही हैं। ये देखिए, तो झटपट ये वड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। जब भी आपको खाने का मन करे आप इसे सांभर के साथ, चटनी के साथ सर्व कीजिए। और देखिए अंदर से भी कितने फ्लफी बने हैं और मुलायम बने हैं, ये देखिए। तो ज़रूर से बनाइएगा। आपको दोनों में से कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद आई हमें कमेंट कर में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। तो ऐसे ही और भी नई नई और टेस्टी ब्रेकफास्ट की रेसिपीज़ के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जाकर ज़रूर से ट्राई कीजिए। और एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।